सबको अकेले दम किया रहता है, तो पहले ईमान मजबूत। सिर्फ एक सीधी बात, स्कूल कॉलेज कहीं भी पढ़ाइए पढ़ाइए, मगर वहां का बच्चा को देखते हैं पीठ पर किताब लेके जाता है, इतना वजन है कि मुंह बनाया हुआ आठ रहा है घरे आते पीठ, लेकिन मदरसा का दुबला पतला लड़का सीने से किताब लगा, कब बोलिएगा दम निकल जाएगा तब बोलिएगा, सीने से लगा। हमने पूछा है बउआ तू सीने से लगा के जा रहा है, वो पीछे रख के जा रहा था, कहा जिसको पीछे जाना होगा वो ना पीछे रखेगा, हमको तो आगे जाना है, इसलिए आगे 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 आगे। अब कुछ लोग कहेंगे, अब कुछ लोग कहेंगे कि मौआ साहब हमारी उम्र तो 60 बरस 80 बरस हो गई, अब हम कैसे कुरान पढ़े, तो हम मदरसा पॉकेट में लेके घूमते हैं, पॉकेट में लेके घूमते हैं, हम है देहात के, रहते शहर में कलकत्ता देहात के, फर्स्ट क्लास बैलगाड़ी का ड्राइवर है, तो मजाक समझते हैं क्या उसको, हाथ में अनहरिया रात में हाथ लीजिएगा बैलगाड़ी बगैर हेडलाइट का, ये सब हुनर है, सब फन है, ये सब हम चले गए बोए हुए थे देखने चले गए, तो बगल खेत में हमारे गांव में तो धोबी है बेचारे गैर मुस्लिम, वो हर जोत रहे, हर जोतते जोतते हजरत गुस्ताखी माफ मैं लोगों को समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, इतना भयानक गाना गा रहा था कि हमको तो लगा जैसे धरती पर भूकंप आ गया, ऐसे लगा वो 85-90 बरस की उम्र में गाना गा रहा है, जब हम जमा होंगे जाने कहां, थरथरा गया। हम पकड़ के बोले ये गाना, बोला मौली साहब आ गया, हम बोली पहले ही बताइए, हम तो जान रहे हैं कि आप गवर्नमेंट का माल खाने वाले आदमी हैं, 40-45 बरस से आप पेंशन अंगूठा का टीपा लगा के ले रहे हैं, बोले टी रिटायर्ड है वो, अंगूठा का टीपा लगा के पेंशन ले रहे हैं, आप एक को अक्षर पढ़े नहीं है, ये गाना कैसे याद हुआ, तो हर रोक दिया, मैं रोक दिया, धोती के बीच में से एक मोबाइल निकाला इतना बड़ा, बबुआ 20 दिन पहले बंबई से मेरा लड़का आया था ना, मोबाइल देख, हम बोले अरे बाबू खिलौना हम क्या करेंगे, तो बोला बाबू ना इसमें गाना है, ई बटनवा दबाइए गाना तो गाना निकलेगा, कहा बताएं मौली साहब 10 दिन तो दबाए, 2200 गाना था, 2200 याद हो गया, सुना है, मैंने कहा सुनाइए मत, मगर मैं सर पकड़ के रह गया, आज मुसलमान कहता है हमें सूरत याद नहीं नमाज कैसे पढ़े, हमें कुरान याद नहीं है फातिहा कैसे, ये मदरसे को हर सूरत में आबाद रखिए, अल्लाह ताला हम सब पे फजल फरमाए, दारैन की सादतों से मालामाल फरमाए, मैं इंसान हूँ, हो सकता है दौरान गुफ्तगु शरीयत के खिलाफ कोई जुमला निकल गया हो, तो मैं आप सबको उलमा को मशायख को गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ और पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व तुबु इलैह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, यार जिंदा सोहबत बाकी, इंशाअल्लाह जिंदगी ने कभी वफा की, जीवन के किसी चौराहे पर मुलाकात हुई, फिर हम होंगे आप होंगे, अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे, दुआ करें कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द मुझको पैरों के इस मर्ज से नजात अता फरमाए और मैं मुकम्मल सेहत आप हो सकूं, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हर बीमारी हर आफत हर बला से आपको बचाए, या लतीफ़ो लम यज़ल उल्तु बिना फीमा नज़र अंत क़वियुन नज़ना अंत हरेका यौमल खलल ली खमसतुन उत्थी बिया हर्रल वबाई हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबना हुमा उल फातिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।